हाय डियर वंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन प्रिपेयरिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशंस आर क्लोजर एंड क्लोजर डे बाई डे पासिस। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एग्जाम पास आ रहे हैं और आपकी कोशिशें और बढ़ रही होंगी, और मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है आपकी अधिक से अधिक हेल्प करने के लिए, हमेशा आपके साथ, हर मौके पर, हर समस्या के साथ। ठीक है, आइए इस बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं एक नई शुरुआत की है। अब पिछले कुछ सालों का, लास्ट के 10 सालों का, हम अनसॉल्व पेपर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते रहे उनको सॉल्व करेंगे कि करके इस वीडियो में बहुत कम टाइम में मैंने 2010 में सभी यूपी बोर्ड में सेट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं। वो आपको मैं इसको आंसर दूंगा साथ में, फिगर ऑफ स्पीच जो आए हैं और उनका जो आंसर है, ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, इसको तैयार करिएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी अपनी तैयारियां शुरू करें और आगे बढ़ें, लगातार मेहनत करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स से फिगर ऑफ स्पीच हैं, बहुत आसान मार्क्स हैं, थोड़ी सी कोशिश से हम इन्हें सीख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की अलग अलग डेफिनेशंस इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां तैयार करें। आइए पेपर सॉल्व करते हैं। ये हैं 2010 के सेट्स के 7 आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला था, शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, जैसे कि एक दुल्हन की आंख से यू नो पानी की बूंद निकल रही है, आंसू निकल रहा है। तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लाइक देखते ही हम समझ जाएंगे दैट इट इज सिमली, कि इसमें सिमली है। हालांकि बहुत मशहूर द पालन कन्वेयर्स की लाइन है ये, सरोजिनी नायडू जी की। नंबर 2, आई सी द वेव्स अपॉन द शोर लाइक लाइट डिजॉल्व इन द स्टार शॉवर्स थ्रोन। एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, वो समुद्र किनारे देख रहा है किस तरह से चमक पड़ रही है वेव्स माने लहरों में, तो वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि जैसे रोशनी पिघल कर यू नो वो पानी में मिक्स हो गई है और इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये लाइक वर्ड का यूज करा गया है कि मैंने किनारे पर बैठ के इस तरह से लहरों को देखा है जैसे कि, तो जब भी जैसा आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, तो वहाँ पर सिमली होता है और इसका आंसर भी सिमली होगा। नेक्स्ट है, ही इज़ द पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा समझाना भी चाहूँगा, 10 सेकंड लूँगा प्लीज़। अगर यहाँ पर कर दें ही इज़ लाइक द पिलर, यहाँ लाइक लगा देंगे तो ये सिमली हो जाएगा, बिकॉज लाइक नहीं है तो वो इस संस्था के आधार स्तंभ हैं, मेटाफर हैं, रूपक हैं। लाइक लगाते ही सेम एग्जाम्पल सिमली हो जाता है, ठीक है, उपमा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम, देर इज ए डैगर इन दाई वर्ड्स, उसके लफ्जों में, तुम्हारे शब्दों में एक कटार है, मेटाफोरिकल वर्ड है, रूपक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। ओ माइटी सीजर, ये देखिए पहचान लीजिए, इसे कस के पहचान लीजिए, एपोस्ट्रॉफी का मार्क, संबोधन कर रहा है। दस दाउ लाई सो लो, जब जूलियस सीजर, बहुत मशहूर ड्रामा है शेक्सपियर का, 10 सेकंड लेंगे इसमें, जब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है तो एंटोनियो चीके कहता है, हे मेरे साथी, तुम जमीन पर कितने नीचे पड़े हुए हो जबकि तुम्हारा किरदार बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर चूंकि वो संबोधित कर रहा है तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है, संबोधन अलंकार है। नेक्स्ट है, दे बिल्ड दाई द नेशंस पिलर डीप, उन्होंने राष्ट्र के पिलर्स को, स्तंभों को बहुत गहराई में ले गए हैं, एंड लिफ्ट देम इनटू द स्काई, और उन्हें उठाकर आसमान तक ले गए हैं। तो जब आसमान की बात होगी, समुद्र की बात होगी, गहराई की बात होगी, ऊंचाई की बात होगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, इसे हम कहेंगे अतिशयोक्ति, यानी कि हाइपरबोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट स्टिल फॉट ऑन नॉर न्यू दैट ही वॉज डेड, लड़ता रहा, उसे पता ही नहीं चला कि वो मर गया है, तो वो लड़ भी रहा है और मर भी रहा है, ओके? इसलिए यहाँ पर है ऑक्सीमोरन या विरोधाभास अलंकार। तो प्लीज़ नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के लिए, और अब लगातार डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अपने बोर्ड की तैयारी जारी रखिएगा, एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टिक टू माई चैनल लॉट्स।